subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महाविकास आघाड़ी नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वार्ड क्रमांक 100 की नेरुल तालुका अध्यक्ष सुमित्रा भगवान पवार के माध्यम से हल्दी कुमकुम का भव्य आयोजन नेरुल में किया गया। साथ ही जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ के हाथों किया गया। इस उद्घाटन में शामिल रहे विधायक शशिकांत शिंदे, नवी मुंबई कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े, नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस निरीक्षक प्रशांत पाटिल, कांग्रेस नेता संतोष शेट्टी व अन्य मान्यवर। इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ ने अपनी राय व्यक्त की है, साथ ही विरोधियों पर राजनीतिक निशाना साधा है। लोकांची मानसिकता ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची मानसिकता आहे। बाबासाहेबांचे पाठराखण करणारा हा मतदारसंघ, त्याच्यामुळे इथली निवडणूक ही काही अवघड नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार 100% निवडून येईल, महाविकास आघाडीचा उमेदवार 100% निवडून येईल एवढा विश्वास आहे। आज सुनेत्रताईंचं असलेलं या कार्यालयाचं उद्घाटन होत असता मला आनंद आहे की त्यांचा लग्नाचा 28वा वाढदिवस आहे, या शुभदिनी त्यांनी घेतलेल्या या कार्याला माझ्या। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की नेरुल तालुका अध्यक्ष सुमित्रा पवार ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए आए हुए सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि आने वाले समय में सामाजिक क्षेत्रों में विशेष ध्यान देंगी। त्यानंतर माझे पती भगवान शेठ पवार यांनी मला या ठिकाणी अतिशय मोठी जागा 400 square foot मला या ठिकाणी ऑफिस घेऊन दिलं आणि साहेबांचा विचार आम्ही जनतेच्या जनतेपर्यंत पोहोचवणार आहोत आणि जनतेचे सर्व प्रश्न वॉटर मीटर गटर याच्या व्यतिरिक्त अतिशय मोठे मोठे जनतेचे प्रश्न आहेत। नेहमी ऑफिसमध्ये माझ्या घरी सुद्धा लोक नेहमी येत असतात, परंतु घरी येणं मला थोडंसं योग्य नाही वाटत, म्हणून मी रस्त्यावर त्यांना ज्यावेळेस माझे मिस्टर बोलले की आपल्याला याच्यापेक्षा मोठं काम करायचं आहे, म्हणून त्यांनी या ठिकाणी नवदुर्गा सोसायटीमध्ये अतिशय मोठ्या मोक्याच्या ठिकाणी प्रशांत पाटील साहेब, गावडे साहेब हे सर्वजण मला नेहमी सहकार्य करत असतात आणि त्यांच्या माध्यमातून आज 7 फेब्रुवारी अतिशय चांगला असा मुहूर्ताचा दिवस आहे, म्हणून आम्ही आजच्या मुहूर्तावरती जितेंद्र आव्हाड साहेब म्हणजे खरंच जर मी विचार केला अजबा हा सोहळा माती विनली आभाळा असा हा सोहळा मी न भूतो ना भविष्यती असा आजार। इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए हल्दी कुमकुम में शामिल महिलाओं ने अपना मनोगत व्यक्त किया है। Exactly, ma'am. First of all, I'll say good evening to everybody. Hello. And it's really an honor for everybody and particularly the ladies like us. आजकल के दुनिया में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए लेडी हम कह नहीं पाते हैं। इफ़ यू आर एजुकेटेड देन इट इज़ एग्जैक्टली ओके फॉर यू, तो यू कैन डू एवरीथिंग ऑफ योर ओन। बट अभी भी कितनी सारी लेडीज़ है जो अभी भी खुल के बाहर नहीं आ सकती है, जिनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं कर पाती हैं, और जो करना भी चाहते हैं दे हैव कैलिबर, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट वो नहीं कर पाती। बट बीइंग मिसेस पवार नाउ हम उनको एक उभरते हुए लीडर जैसे देख रहे हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट शी इज़ रियली द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड एक इमेजिनरी फिगर है जो हम जैसे सोचते हैं कि हमेशा एक आदमी, आई एम नॉट अगेंस्ट मैन, आई एम नेवर अगेंस्ट देम, फाइन दिस इज अ मैन वर्ल्ड इट्स ओके, बट जैसे एक लेडी एक लीडर बन के आती हैं तो शी कैन हैंडल द थिंग्स, शी कैन अपॉइंट द लेडीज, शी कैन अपॉइंट इतने सारे लेडीज को काम दे सकते हैं और जो जो प्रॉब्लम्स है वी कैन हैंडल ऑल द थिंग्स टुगेदर। एंड आज यहाँ पे उद्घाटन था इनके ऑफिस का, आई एम रियली हैप्पी कि अभी जैसे ये काम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम आई विल टेल यू दिस वाज द लॉकडाउन टाउन वाज वेरी बैड टाइम फॉर एवरीबॉडी। उस टाइम में कोई किसी की मदद करने का दूर क्या बात करने के लिए भी नहीं आता था सामने कि कहीं कोरोना हो जाएगा, फाइन इट्स ओके, सी आई एम फ्रॉम द मेडिकल लाइन, आई अंडरस्टैंड कि सबको प्रिकॉशंस लेने हैं, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव हस्बैंड, बट जब भी कभी मिसेस पवार को हम लोग किसी भी टाइम कोई काम के लिए बोले एंड शी हैज़ नेवर बीन हेजिटेंट, शी वॉज ऑलवेज सिंग आई विल बी देयर, आई एम कमिंग, मैं ये करूँगी, मैं एंड शी हैज़ डन इट एंड वी हैव लॉट ऑफ प्रूफ्स फॉर दैट। इसके पहले भी उन्होंने इतने सारे काम किए विदाउट टेकिंग एनी डिसरेस्पेक्ट कि मैंने किया है वो किया, ऐसे नहीं है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मिसेज पवार जैसी लीडर हमारी नवी मुंबई में आ रही हैं, इट्स रियली अ बिग बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम काजी के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज़ टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।